हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सलमान खान का मूवी राधे के बारे में बात करेंगे, जो कि आज Z5 पे 12 बजे प्रीमियर हुआ है। तो ये कोरियन मूवी आउटलॉ का एक ऑफिशियल रिमेक है, लेकिन मैंने कोरियन मूवी नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कि वो मूवी कैसा है। तो मैं कोई इस मूवी में राधे के साथ कोरियन मूवी का जो कंपैरिजन है वो मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ राधे मूवी के बारे में बात करूँगा। तो अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही एक सिंपल स्टोरी है, क्योंकि इस फॉर्मेट में आप लोगों ने इससे पहले भी ऐसे स्टोरी आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। जो कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रणदीप हुड्डा एक ड्रग लॉर्ड माफिया है, जो कि मुंबई पे आया है अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और उनका टारगेट है यंग स्टूडेंट्स मुंबई के। तो यही जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो मुंबई पुलिस सलमान खान को अपॉइंट करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और सलमान खान आएगा पूरा सिटी क्लीन करने के लिए। और फिर कैसे सलमान खान पूरा ये गैंग को तोड़ता है, रणवीर हुड्डा को मतलब अरेस्ट करता है, तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्टोरी का जो मतलब फिल्म का जो जॉनर है वो एक्शन है, थ्रिलर है, लेकिन सच में बताओ इस फिल्म में मुझे थ्रिलर 1% भी कहीं दिखाई नहीं दिया। क्योंकि अगर स्ट्रेट फॉर्मेट यहाँ पे स्टोरी देखने को मिलेगा आपको। और इस फिल्म का जो मेन डिसएडवांटेज मुझे लगा वो है इस फिल्म का रन टाइम, बहुत ही कम रन टाइम है, जिसके कारण इसका जो स्क्रीन प्ले था वो बहुत ही फास्ट था, ज़्यादा इन डिटेल्स आपको देखने को मौका नहीं मिलेगा, जिसके लिए जो थ्रिलर फैक्टर था वो थ्रिलर फैक्टर इस फिल्म में मिसिंग था। और कम रन टाइम होने के लिए मतलब यहाँ पे आप लोगों को पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाएगा, लाइक फ्रेम टू फ्रेम बहुत ही जंप होगा, एक सीन से दूसरे सीन बहुत ही जल्दी जंप करेंगे। तो मुझे यहाँ पे लगा कि स्क्रीन प्ले थोड़ा वीक था, पूरा राइटिंग फिल्म पे और अच्छा हो सकता था अगर फिल्म का रन टाइम ज़्यादा होता। तो फिल्म में हम लोग देख सकते हैं कि रणदीप हुड्डा इस फिल्म में विलेन है, तो एज अ विलेन ही डिड अ फैंटेस्टिक जॉब, उसका स्क्रीन प्रेजेंस जितना था उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशंस इतना था कि मतलब ये जो फिल्म का विलेन होगा वो बहुत ही मतलब विलेनियस टाइप होगा, बहुत ही पावरफुल होगा, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा कमियाँ मुझे देखने को मिला। हालांकि रणदीप हुड्डा जितना मतलब कोशिश किया था उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग किया, लेकिन सलमान खान के टक्कर देने वाला उतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग विलेन मुझे इस फिल्म में उतना दिखाई नहीं दिया। और इस फिल्म पे मतलब सलमान खान के बाद अगर किसी का एक्टिंग आपको अच्छा लगेगा वो है रणदीप हुड्डा, क्योंकि बाकी जो लोगों ने एक्टिंग किया था वो मतलब ना बराबरी था। तो जैकी श्रॉफ के बारे में अगर बात करूँ तो मतलब अगर कुछ कुछ कॉमेडी सीन था जो बहुत ही फनी था, आप लोगों को बहुत ही हंसी आएगा, लेकिन अदर देन दैट मतलब उनका ज़्यादा कुछ इम्पैक्टफुल रोल उतना कहीं भी नहीं मुझे देखने को मिला। सेम गोज टू दिशा पटानी ऑल्सो। डायरेक्टर के बारे में अगर बात करूँ तो प्रभु देवा से मुझे बहुत ही एक्सपेक्टेशंस था, क्योंकि उन्होंने वांटेड फिल्म बनाया था, लेकिन वांटेड और राधे का अगर कंपेयर करूँ तो मतलब वांटेड में राधे का जो कैरेक्टर था, मतलब जिस राधे को हम लोगों ने देख के पसंद हुआ था, वो राधे यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है। मतलब आपको ज़मीन आसमान का फर्क यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि वांटेड में जो राधे को आपने देखा था और इस राधे में जो आप सलमान खान के कैरेक्टर को देखोगे वो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे आपको वो एटीट्यूड, जैसे वो लुक्स था, जैसे वो स्टाइल था, वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म पे। प्रभु देवा का डायरेक्शन है तो एक्सपेक्ट किया था कि कुछ बढ़िया हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी प्रभु देवा ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया मुझे। डायरेक्शन वॉज एवरेज, वॉज नॉर्मल, नॉट दैट एक्सीलेंट, लेकिन एक्शन के मामले में ये फिल्म आपको 1% भी निराश नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इलॉजिकल सीन्स बहुत ज़्यादा है इस फिल्म पे। कुछ कुछ सीन तो ऐसे है कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन एज इट्स अ मास एंटरटेनमेंट फिल्म तो अगर लॉजिक को आप थोड़ा साइड पे रखोगे तो एक्शन सीन आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, आप बहुत ही एंजॉय करोगे एक्शन सीन इस फिल्म में देखने के समय। और कुछ कुछ मतलब एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही रफ था, बहुत ही रॉ था, बहुत ही वायलेंस था। तो उसके अलावा अगर मैं बात कहूँ तो स्टोरी लाइन वॉज प्रीटी मच वीक, लेकिन इफ इट्स फॉर अ मास एंटरटेनमेंट मूवी, इट्स फॉर टाइम पास मूवी, अगर आप लोग सलमान खान के फैन हो तो आप लोग बहुत ही एंजॉय करोगे, क्योंकि सलमान खान का कुछ कुछ आइकॉनिक मोमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि वांटेड का डायलॉग था, वो डायलॉग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो सलमान खान हर फिल्म में करते हैं शर्टलेस पिक्चर, तो शर्टलेस सलमान खान को भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, जो कि मतलब ऐसे सीन पे आएगा कि आप लोग बहुत ही शॉक्ड और स्टंड हो जाओगे।
तो ओवरऑल अगर कहूँ तो इट वॉज अ मिक्सड एक्सपीरियंस फॉर मी. कुछ कुछ डिपार्टमेंट मुझे अच्छा लगा, कुछ कुछ डिपार्टमेंट मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. तो एक्सपेक्टेशंस वाइज उतना भी फुलफिल नहीं हुआ ये फिल्म देखने के बाद. लेकिन तो अगर रेटिंग के बारे में बात कहूँ तो आई विल गिव 3 out of 5 stars. लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ईद के मौके पर दिस इज़ द परफेक्ट गिफ्ट फॉर ऑल सलमान खान फैंस. तो फैंस के लिए ये बहुत ही एक ट्रीट है ये फिल्म देखने के लिए. इतने दिनों के बाद भाईजान OTT पे डायरेक्ट आया एक मास एक्शन फिल्म को लेके, तो आप लोग बहुत ही एंजॉय करोगे. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो. तो अगर देख लिया तो जरूर बताना कैसा लगा. और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.